कुशीनगर में सवारी से भरे बस और ट्रैक्टर ट्राली की आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। दर्जनों लोग घायल हो गए जिसमें आधा दर्जन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को CHC तुरकाहा पर कराया भर्ती। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के NH 28B पर धरनीपट्टी गाँव के समीप का मामला है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनुराग तिवारी का रुख करते हैं। अनुराग, क्या मामला है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे ये हादसा हुआ? जी सर, मैं बिल्कुल बता दूं, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में जो है पनियावा के पास से जो है पडरौना जाने वाली बस धरनीपट्टी के पास जो है भीषण हादसा हो गया है। मैं आपको बता दूं, इसमें कहीं ना कहीं 22 लोग जो है वो इंजर्ड हुए और आधा दर्जन से अधिक लोग जो है वो पूरी तरह से घायल है। बताया जा रहा है कि बस और ट्रैक्टर ट्राली ईट से लदी हुई ट्रैक्टर ट्राली में जो है टक्कर हुई है। क्या कारण रहा इस हादसे का अनुराग? जी सर, वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है बस के ड्राइवर ने जो है वो ड्रिंक कर रखा था, जिसकी वजह से ये एक हादसा हुआ है और जो है ट्रैक्टर ट्राली में जो है टक्कर हुई है आमने सामने बस और ट्रैक्टर ट्राली में। बस का मैं आपको नंबर बता दूं, बिहार का ये बस था BR 06 5991 करके, जो पनियावा से चल करके जो है पडरौना की तरफ जा रही थी। क्या बस चालक को गिरफ्तार किया गया इस मामले में? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, वहाँ हनुमानगंज थाने की पुलिस, स्थानीय पुलिस जो है वहाँ उनको बस चालक को जो है उनको हिरासत में ले लिया गया है। शुक्रिया अनुराग हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ग्वालियर में मुख्यमंत्री प्रातःकालीन दौड़ का आयोजन हुआ। इस दौड़ प्रतियोगिता में विभिन्न कॉलेज के युवाओं एवं युवतियों ने भागीदारी की। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर विधायक श्री प्रवीण पाठक का आगमन हुआ। संभल में मैकेनिक की दुकान पर दो बाइकों में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। पूरा मामला चंदोसी कोतवाली क्षेत्र के शहर स्थित पेट्रोल पंप के पास का है, जहां मैकेनिक की दुकान पर खड़ी दो बाइकों में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक आग का गोला बन गई। बाइकों में आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताइए, आपका क्या नाम है? रिहाना नाम है। क्या समस्या है? समस्या क्या है, मेरा मकान कच्चा है, मेरी नीचे बहुत परेशानी है। उसकी शिकायत आपने किसी प्रधान वगैरह से? शिकायत करी थी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी प्रधान वगैरह या प्रधान से कहा था मैंने, तो उसने कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, तो फिर कैसे रहती हैं आप? प्रधान कहता है कि हाँ करा देंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे बहुत परेशानी। देश भले ही आज आजाद होने का जश्न मना रहा है, पर श्री महावीर जी बस स्टैंड पर आजादी के कई दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आज भी आंसू बहा रहे हैं लोग। बस स्टैंड की हालत क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को दिखाई ही नहीं दे रही। बड़े बड़े दावे और वादे करने वाले नेताओं ने इस बस स्टैंड को देखना मुनासिब नहीं समझा, जिससे ये बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कानपुर नगर पंचायत शिवराजपुर में 35 वर्षों से तैनात चपरासी राजेंद्र कुमार सविता ने अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष पर जबरन प्रधानमंत्री आवास योजना की मन मुताबिक जांच रिपोर्ट लगवाने का आरोप लगाया है। पीड़ित आए दिन अधिकारियों के उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। खास बात यह है कि चपरासी का कार्य रिपोर्ट तैयार करना तो नहीं होता, फिर चपरासी को आखिर क्यों मोहरा बनाया जा रहा है, जिसके बाद पीड़ित चपरासी न्याय की मांग को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा और ACM 6 को शिकायत पत्र सौंपा। पीड़ित चपरासी का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की शिकायती जांच पत्र पर मनमानी रिपोर्ट लगवाने के लिए यहां तैनात अधिशासी अधिकारी प्रवीण कुमार दुबे और अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी लगातार मुझसे कहते आ रहे हैं।